गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा है या परमाणु ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, या अपन करेंगे परमाणु ऊर्जा कहाँ से उत्पादित की जाती है, कौन कौन से राज्यों में स्रोत लगे हुए हैं, या अपन कह सकते हैं कहाँ पर परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं, या कितने मेगावाट की ऊर्जा होती है, या अपन बात करेंगे विश्व लेवल पर कौन कौन से जो देश है जो परमाणु ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से उत्पादन करने में सर्वश्रेष्ठ है या अग्रणीय देश है, उनके बारे में बात करेंगे। तो ऊर्जा जो परमाणु ऊर्जा कौन से जो खनिजों से प्राप्त की जाती है, या अपन कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा बनाने की जो विधियां कौन कौन सी है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जैसे अपन कहते हैं जैसे कोई भी परमाणु है उनके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, या यूरेनियम है, थोरियम है, जो मुख्य खनिज है, उनसे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उस प्रकार की ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो परमाणु ऊर्जा, जो यूरेनियम और थोरियम है जो मुख्य घटक है, यानी जो यूरेनियम और थोरियम ये दो मुख्य घटक है जिनके द्वारा जो परमाणु ऊर्जा उत्पादित की जाती है। जैसे अपन बात करते हैं परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, यानी परमाणु ऊर्जा को अपन किस प्रकार से बनाते हैं उनकी दो महत्वपूर्ण विधियां हैं। जैसे अपन बात करते हैं एक विधि का नाम है विखंडन विधि, परमाणु विखंडन विधि, और एक दूसरी का नाम है संलयन विधि। अब विखंडन का मतलब आप सबको पता है कि विखंडन का मतलब कोई भी बड़ा एक तत्व उसका अलग अलग भागों में टूटना, इसको अपन कह सकते हैं टूटना भी कह सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं टूटना। यानी अपन विखंडन का मतलब क्या होता है, तोड़ना किसी भी वस्तु को, कोई बड़ी वस्तु है उसका टूटना या उसको तोड़ना, यह होगा विखंडन। और संलयन का मतलब होता है हमेशा जुड़ना। तो आपको याद रखने के लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं पास में, क्या संलयन का मतलब होता है कि जुड़ना, यानी दो छोटे छोटे जो परमाणु है वो जुड़ के एक बड़ी वस्तु बना देते हैं, तो उसके द्वारा तो अपन उसको कहते हैं। तो दो विधियां परमाणु ऊर्जा की, एक तो हो गया आपके संलयन, एक हो गया विघटन। अब विघटन क्या होती है, देखो विघटन विधि में एक बड़ा परमाणु क्या होता है, एक बड़ा परमाणु है वो टूटकर छोटे छोटे परमाणुओं में विभाजित हो जाता है। एक बड़ा परमाणु होता है वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, छोटे छोटे परमाणु में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से जब ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन की विधि को अपन कहते हैं परमाणु विघटन ऊर्जा उत्पादन विधि। कौन सी विधि है, विघटन वाली, यानी टूटना यानी विघटन। एक बड़ा तत्व होगा, बड़ा परमाणु होगा जो कई छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाएगा, यह होती है पहली विधि। फिर अपन बात करते हैं संलग्न विधि। संलग्न विधि क्या होती है, संलग्न क्रिया में दो छोटे छोटे परमाणु परस्पर गलकर या मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण कर देते हैं। क्या करते हैं, दो छोटे छोटे कण होंगे, जैसे अपन बात करते हैं कोई दो छोटे छोटे कण है, जैसे ये दो, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो जब दो छोटे छोटे परमाणु जब मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं तो उस विधि को अपन कहते हैं परमाणु संलग्न ऊर्जा उत्पादन विधि। तो यानी परमाणु किस प्रकार बनाते हैं, दो छोटे छोटे परमाणु को मिलकर एक बड़ा परमाणु बन जाए उसको अपन कहते हैं संलग्न विधि। तो ये हो गई अपन के दो विधियां, एक विघटन विधि और एक आपकी हो गई संलग्न विधि। फिर अपन बात करते हैं जो यूरेनियम है, यूरेनियम धातु की खोज परमाणु के लिए कब प्रारंभ की गई के यूरेनियम से अपन बम बना सकते हैं या परमाणु ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो यूरेनियम धातु के परमाणु विघटन की क्रिया में या विघटन की खोज में 1930-50 यानी 1930-50 के बीच में यूरेनियम जो धातु है उसकी खोज की गई और उसका प्रयोग परमाणु के लिए, परमाणु में किस प्रकार उत्पादन किया जाए, परमाणु को किस प्रकार से ऊर्जा में रूपांतरित किया जाए, उसके लिए 1930-50 के मध्य इसकी खोज हुई। फिर अपन बात करते हैं परमाणु के विघटन से महान शक्ति निकलती है, यानी अपन परमाणु का अगर कहीं पर भी अपन परमाणु विघटन करते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, यानी एक बम फोड़ने में भी बहुत सारा ऊर्जा निकलती है। और बम फोड़ने से क्या होगा, यानी जो परमाणु फोड़ने से जो वायु में प्रदूषण सर्वाधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना, प्रदूषण बहुत ही ज्यादा होता है परमाणु बम से, इसलिए इनको कभी कभी क्या करते हैं, वायु में परीक्षण करते हैं, कभी जल में परीक्षण करते हैं, और कभी परमाणु का जो भूमिगत परीक्षण करते हैं, ताकि भूमि और जल में क्यों करते हैं, जल में करते हैं ताकि वो ज्यादा
क्षति न पहुंचाए, जनधन हानि न हो, और वायु में जहां कोई जनधन न हो वहां पर करते हैं, और भूमिगत ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण है वो भूमि में रहे, बाहर ना आए। तो इस प्रकार अपन करते हैं भूमिगत परीक्षण भी करते हैं। परमाणु का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं? वायु, जल, ये अपन कह सकते हैं जो भूमिगत, यानी अपन इसमें। फिर अपन बात करते हैं कि जिसे अपन नाभि की ऊर्जा कहते हैं, यानी परमाणु का जो विघटन होता है उस समय जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं? नाभि की ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभि की ऊर्जा कहते हैं। जैसे यूरेनियम जो धातु है, यह यूरेनियम जो धातु है इससे एक किलो यूरेनियम से अगर जितनी ऊर्जा निकलती है वो उतनी ऊर्जा लगभग 25 लाख टन कोयला के ज्वलन से निकलती है। 25 लाख किलो कोयला का जो अगर अपन जलाएंगे, दहन करेंगे, तब वो इतनी ऊर्जा बराबर होगी। यानी 1 किलो यूरेनियम और 25 लाख किलो कोयले के जलन, दोनों की जो ऊर्जा होती है वो बराबर होती है। इसलिए यूरेनियम जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। किसके लिए? परमाणु विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए, विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए अपन कह सकते हैं। तो उसके लिए यूरेनियम है जो अति महत्वपूर्ण है, और उसके लिए भारत में का कौन सा स्थान है या विश्व में कहां कहां होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। अपन बात करते हैं कि परमाणु विघटन क्रिया से यूरेनियम व थोरियम का प्रयोग किया जाता है। जब भी अपन परमाणु क्रिया करते हैं, जब भी अपन परमाणु विस्फोट करते हैं या परमाणु की जो क्रिया अपन उत्पादन करते हैं, तो उसके अंदर यूरेनियम और थोरियम दो मुख्य रूप से कच्चे माल या अपन कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए दो तत्वों की आवश्यकता होती है, यूरेनियम और थोरियम मुख्य रूप से। फिर अपन बात करते हैं यूरेनियम की एक विशेष किस्म है, यूरेनियम है उसकी एक विशेष किस्म है, यानी यूरेनियम परमाणु विघटन में कौन सी यूरेनियम काम लेते हैं, तो उसकी एक विशेष किस्म है। जैसे यू उसको किससे अंकित करते हैं, उसको कौन सा संकेत है, तो U238, यूरेनियम U238, इसका प्रयोग अपन परमाणु विस्फोटक में करते हैं। फिर अपन बात की जाए एक और तत्व आता है प्लूटोनियम, ये भी इसमें परमाणु विघटन में काम लेता है, उसको अपन PU239, आपको याद रखना 238 यूरेनियम और PU239 एक बढ़ जाएगा। तो ये दो है जो अपन इसमें काम में भी लेते हैं विघटन प्रक्रिया में। फिर अपन बात करते हैं कि यूरेनियम की प्राप्ति, अब यूरेनियम कहाँ मिलेगा, किस प्रकार की चट्टानों में मिलेगा, तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यूरेनियम जो है अपन को पिच ब्लेंड, अपन कह सकते हैं यूरेनियम प्राप्ति मुख्य रूप से दो कच्ची धातुओं से होती है। यूरेनियम है जो आपका दो कच्ची धातुओं के रूप में आपको मिलेगा। जैसे अपन बात करते हैं ये एक यूरेनियम एंड कच्ची धातुओं के मिश्रण में पाया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं एक हो गया पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड एक धातु होती है उसमें भी यूरेनियम का अंश पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कार्बोनाटाइड यानी दो कच्ची धातु है जहां पर यूरेनियम के भंडार आपको मिलेंगे। फिर अपन बात करते हैं ये तो हो गए दो कच्ची धातु। अब अपन बात करते हैं परमाणु ईंधन का जो वितरण कहां कहां पर है विश्व लेवल में, विश्व लेवल में जो अपन बात कर रहे हैं तो वहां पर परमाणु का जो वितरण कहां कहां पर है, तो देखो रूस में, यूक्रेन में, रूस, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान, ये जो तीनों देश है ये तीनों देश मिलकर लगभग विश्व की 45% यूरेनियम या अपन कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा या यूरेनियम का उत्पादन करते हैं। किसका? परमाणु ईंधन का वितरण है इन तीनों देशों में, यहां पर लगभग 45% रूस, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान, ये तीनों मिलकर लगभग 45% परमाणु ईंधन का वितरण है यहां तीनों देशों में। फिर अपन बात करते हैं यूरेनियम उत्पादन में कनाडा, इसके अलावा देखो कनाडा में भी यूरेनियम के भंडार है, ये ध्यान रखना कनाडियन एक शील्ड है यूरेनियम में, जो कनाडा शहर है जो देश है वहां पर एक कनाडियन शील्ड है जो वहां पर भंडार है। अभी वर्तमान में वहां पर बर्फीला क्षेत्र है क्योंकि वो शील्ड पूरी बर्फ से ढकी हुई, लेकिन उसके नीचे अथाह भंडार है यूरेनियम वगैरह के या अन्य धातुओं के, उसको अपन कहते हैं कनाडियन शील्ड। फिर अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी खनिज जैसे मरुस्थल है तो मरुस्थलीय क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार है। फिर अपन बात करते हैं अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, फिर चीन, और जब भारत की बात आती है तो भारत में भी यूरेनियम के भंडार है क्योंकि अपन का जो जादूगुड़ा स्थान है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जादूगुड़ा स्थान है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है भारत में। अगर आपको पूछ लिया जाए तो राजस्थान में कौन से जिले में, तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना उदयपुर जिले में है यूरेनियम के भंडार, ठीक है, उदयपुर में यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम कहां पर मिलेंगे, उदयपुर में मिलेंगे अपन के यहां पर राजस्थान, और भारत में कहां है, जादूगुड़ा स्थान पर।
फिर ये तो हो गया यूरेनियम एक धातु। अब अपन बात करते हैं थोरियम। थोरियम का क्या प्रयोग है या कहां से निकल जाते हैं? थोरियम का जो मुख्य स्रोत है मोनोजाइट चट्टानें होती है, मोनोजाइट चट्टानें। यूरेनियम के जो थोरियम है वो मोनोजाइट प्रकार की चट्टानों के साथ में निकलता है। अब मोनोजाइट चट्टानें कहां पर है? अगर भारत की बात की जाए तो जैसे इधर वाला क्षेत्र, ये वाला केरल, और ये जो तटवर्ती क्षेत्र है केरल और ये इधर वाला, तो जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर मोनोजाइट प्रकार की चट्टानों में ही मोनोजाइट प्रकार का धातु निकलता है। यहां पर केरल और कर्नाटक या तमिलनाडु के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर मोनोजाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो वो यहां पर। और कुछ कुछ तो आपके मोनोजाइट प्रकार का मुख्य स्रोत हो गया, और कुछ कुछ है जो आपके थोरियम के भंडार आग्नेय चट्टानों के साथ में छोटे छोटे कणों के रूप में मिलेंगे। जो आग्नेय चट्टान होती है ना, जो लावा से निर्मित, यानी ज्वालामुखी लावा से निर्मित जो आग्नेय चट्टान होती है, सबसे कड़क चट्टान, आधारभूत चट्टान, सबसे मुख्य चट्टान या प्राथमिक चट्टान, तो उस चट्टान में भी जो छोटे छोटे कणों के रूप में आपको क्या मिलेगा? थोरियम के भंडार मिल जाएंगे आग्नेय चट्टान में। फिर अपन बात करते हैं, एक सर्वे किया गया जो भारत के भारत ले एक संस्था है जिसका भारत में एक सर्वे किया गया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी, इसके द्वारा एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में पाया गया कि जो थोरियम के भंडार है वो सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। थोरियम के भंडार सबसे ज्यादा कहां पर है? भारत में। जैसे अपन बात करते हैं, इसके अनुसार लगभग ये 319,000 टन, लगभग भारत में थोरियम के भंडार 319,000 टन में मिलते हैं, इतने भंडार है। फिर अपन बात की जाए अब थोरियम कहां कहां पाया जाता है, जैसे देखो भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, मिस्र, टर्की, वेनेजुएला, कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन, यानी जो विश्व स्तर पर जो थोरियम के भंडार है, भारत है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, मिस्र है, टर्की है, वेनेजुएला है, या कनाडा, रूस, या दक्षिण अफ्रीका, चीन, यहां पर है जो थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। और भारत में मैंने आपको बता दिया ये जो तटवर्ती क्षेत्र है केरल कर्नाटका, यहां पर के मोनोजाइट प्रकार की चट्टानों में मोनोजाइट पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं 1954 की, किसकी बात करते हैं? 1954 की। 1954 सर्वप्रथम रूस में परमाणविक शक्ति ग्रह, यानी विश्व लेवल पर सबसे पहला जो परमाणु उत्पादन करने का जो संयंत्र कहां पर लगा, तो अपन बात करते हैं सर्वप्रथम रूस में एक परमाणविक शक्ति ग्रह लगाया गया, और उसकी जो क्षमता थी लगभग 5,000 मेगावाट थी। उसकी क्षमता कितनी थी? 5,000 मेगावाट। और उसके बाद में रूस के बाद में कहां कहां लगाए गए, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है, जर्मनी है, चीन है, भारत है, और कई देशों में इसके परमाणु शक्ति ग्रह लगाए गए थे। अब जैसे आपने कहा कि जो भारत में भी परमाणु शक्ति ग्रह लगाए गए, तो अब हम भारत के लेवल में भी 2-3 परमाणु शक्ति ग्रह की बात करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि भारत में जो अभी वर्तमान में जो 4-5 परमाणु संयंत्र काम कर रहे हैं, और कई परमाणु संयंत्र लगाने की जो प्रक्रिया जारी है या निर्माणाधीन है, तो अपन भारत में बात करते हैं, सबसे पहला लगा था महाराष्ट्र में तारापुर में। कहां लगा था? महाराष्ट्र में तारापुर में। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है महाराष्ट्र तारापुर की, ये लगभग 300 मेगावाट की है। कितनी है? 300 मेगावाट भारत में। फिर एक लगा था आपके राजस्थान में जो लगा था राणा प्रताप सागर। राजस्थान में कौन सा लगा था? राणा प्रताप सागर। फिर अपन बात करते हैं तमिलनाडु की, तो वहां पे लगा था कल्पकनम। यहां पे लगा था कल्पकनम, या कहीं लिखा आएगा कल्पकम, वहां पर क्षेत्र में लगा था। जो राजस्थान और जो तमिलनाडु है इनका जो संयंत्र है लगभग 400 मेगावाट विद्युत परमाणु ईंधन उत्पादन किया जाएगा। फिर एक अपन बात करते हैं मुख्य रूप से एक नरोरा, यूपी में स्थान है नरोरा, वहां पर लगभग 468 मेगावाट का जो है परमाणु विद्युत संयंत्र लगाया गया था। तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं कि भारत में जो मुख्य रूप से है ये 3-4, जैसे तारापुर हो गया, राणा प्रताप सागर राजस्थान वाला हो गया, और तमिलनाडु में कल्पकम हो गया, और नरोरा हो गया यूपी में। तो ये मुख्य रूप से, और कई निर्माणाधीन भी है, और जो नरोरा में इसमें 2 इकाइयां काम करती है, इसमें कितनी? 2 इकाइयां काम करती है।
तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा विश्व लेवल पर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है या परमाणु ऊर्जा शक्ति ग्रह है, जो परमाणु का उत्पादन करने की जो शक्ति ग्रह है उनके बारे में अपन ने पढ़ा, जिससे विद्या कौन कौन सी है, किन किन तत्वों से या किन किन धातुओं से जो खनिजों से जो है परमाणु उत्पादन की जाती है। अब जैसे परमाणु उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो अब मैंने आपको बता दिया एक वायु परीक्षण होता है, एक भूमिगत परीक्षण होता है, एक जल परीक्षण होता है, तो ये ध्यान रखना। और परमाणु ऊर्जा जो अपन शक्ति ग्रह करते हैं, जितने अपन कोयले से शक्ति प्राप्त करते हैं तो उतनी अगर परमाणु से अगर शक्ति प्राप्त की जाए तो अपन को क्या क्या लाभ हो सकता है, परमाणु शक्ति ग्रह के क्या क्या लाभ हो सकता है। तो एक तो मैं आपको उदाहरण बता दूं, जैसे जितना अपन कोयले का दहन करके अगर ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, और उतनी एक किलो यूरेनियम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो अपन को पता है कि इसमें जो परमाणु ऊर्जा में है ना, कोयले जितना वायु प्रदूषण नहीं होगा। अगर अपन परमाणु परीक्षण करते हैं तो वायु प्रदूषण कम होगा, और जब अपन कोयले से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, परमाणु ईंधन प्राप्त करते हैं, तो ज्यादा वायु प्रदूषण होगा। तो मैं पहला कारण ये। फिर अपन दूसरी बात करते हैं कि यूरेनियम का जो परीक्षण करने के लिए अपन को परिवहन की सहायता की आवश्यकता नहीं है, एक किलो यूरेनियम, और अगर वहीं पर ये अगर एक किलो यूरेनियम के बराबर अगर आपको शक्ति प्राप्त करनी है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो वहां पर 25 लाख किलो यानी 25 क्विंटल अपन बात कर सकते हैं, इतने कोयले की आवश्यकता। तो इतने कोयले को ले जाने के लिए परिवहन का भी जो आपको माध्यम अपनाना पड़ेगा, और जो परमाणु ऊर्जा से जो शक्ति प्राप्त करने की जो है जो अपन कह सकते हैं विधि है वो थोड़ी सरल है, और कोयले से उत्पादन करने की जो विधि है वो थोड़ी जटिल विधि है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा विश्व लेवल पर परमाणु शक्ति ग्रह। थैंक यू।